राजनीति के गलियारों तक अपनी धाक जमाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार पारियां खेली हैं और राजनीति के अखाड़े में कई विवादित बयान दिए हैं। उनकी पारियां और उनके ये बयान हमेशा इतिहास के पन्नों में जिंदा रहेंगे और सिद्धू की राजनीति कैसी रही है ये हमेशा जनता के जहन में ताजा रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पंजाब में यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं। पार्टी से इस्तीफा वो देने वाले हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस हफ्ते सिद्धू पर फैसला होगा, संन्यास सिद्धू ले लेंगे, आम आदमी पार्टी में सिद्धू चले जाएंगे। इस तरह की तमाम खबरों के बीच मैं मेघा इस खास पेशकश में आपसे बात करूंगी सिद्धू और बीजेपी के साथ पर। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं पर सवाल खड़े करने में, उन पर तंज कसने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने विपक्ष की भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है, जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोखली नीतियों का डंका बजाया है, लेकिन वही नवजोत सिंह सिद्धू एक वक्त पर बीजेपी के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम भी। गूगल पर अगर आप तस्वीरें सर्च करेंगे नरेंद्र मोदी और नवजोत सिंह सिद्धू की, तो कभी गले मिलते हुए, साथ बैठते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हाथ पकड़ते हुए, कई तस्वीरें आपको इनकी मिल जाएंगी। लेकिन तस्वीरें ताजा हैं, तस्वीरें जो हैं वो जिंदा हैं, संबंध बदल गए हैं, संबंध पर राजनीति भारी पड़ गई। हालांकि सिद्धू जो हैं कई तरह के उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। एक बार उन्हें सजा हो गई थी, सजा के बाद हार उन्होंने नहीं मानी, कैसे राज्यसभा के सदस्य बने, कैसे उन्हें पंजाब में एक अच्छा पद दिया गया, ये तमाम जानकारियां जो सिद्धू के सियासत यहाँ पर गलियारों से जुड़ी हैं, सिद्धू की सियासत से जुड़ी हैं, सिद्धू के राजनीतिक सफर से जुड़ी हैं, जिनमें सिद्धू ने परेशानियां भी देखी हैं, खुशी भी देखी है, कामयाब होते हुए भी सिद्धू ने खुद को देखा है, नाकामी भी उन्होंने झेली है, और इन सब के बीच में सिद्धू कैसी जिंदगी जीते हैं, आज क्यों ना सिद्धू पे ही चर्चा की जाए, क्योंकि तमाम चर्चे हो रहे हैं उनसे जुड़े, तो सिद्धू पर ही चर्चा करते हैं। सिद्धू की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें बारीकियों से आपको बताते हैं, देखिए जरा। इस वक्त भले ही नवजोत सिंह सिद्धू का नाम काफी ज्यादा विवादों से जुड़ गया हो, भले ही नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफे को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हो, लेकिन इस तरह की तमाम खबरों के बीच एक सच जिसे ठुकराया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, वो ये है कि सिद्धू एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी काबिलियत को हर बार साबित किया है। क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार पारियां उन्होंने खेली, राजनीति के मैदान पर कई ऐसी गुगली डाली कि सियासी पंडित चौंक गए। एक क्रिकेटर से सफल राजनेता बनने तक सिद्धू पाजी का ये सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, और इन सबके बीच में आज हम आपको सिद्धू जो करोड़पति हैं, जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, उनसे जुड़ी कई खास बातें बताएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा, अमृतसर की सीट से वो जीते भी, लेकिन सांसद बनते ही पुराने मामले ने उनका दामन थाम लिया। दरअसल 1988 में सिद्धू के खिलाफ गैर इरायदनत हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था, उनके सांसद बनने के बाद केस खुला, 2006 में कोर्ट में उनके खिलाफ केस चला, 3 साल कैद की सजा उन्हें सुनाई गई। सिद्धू ने जनवरी 2007 में लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की सजा पर रोक लगा दी। 2007 में सिद्धू एक बार फिर अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, एक बार फिर जीते। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कांटे की टक्कर दी, चुनाव जीत लिया। मगर 2014 के लोकसभा चुनावों में सिद्धू को भाजपा ने अमृतसर से चुनाव नहीं लड़ने दिया, यहां से सिद्धू को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण जेटली को उतारा, अरुण जेटली चुनाव हार गए। अमृतसर से चुनाव न लड़ पाने की वजह से सिद्धू नाराज थे, उन्होंने इन सबके बीच में बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया। बीजेपी ने 2016 में सिद्धू को राज्यसभा भेजा, लेकिन सिद्धू खुश नहीं थे। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की ओर से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद सिद्धू ने 2016 में ही बीजेपी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू भाजपा छोड़ने के बाद जो है काफी ज्यादा चर्चा में आने लगे। 2017 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा, 42,809 वोटों के अंतर से वो जीते भी,
और पंजाब में बनी कांग्रेस सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की सूची में तीसरे नंबर पर सिद्धू का नाम था। अब आते हैं सिद्धू की संपत्ति पर। भाई संपत्ति के मामले में सिद्धू किसी से कम नहीं है, करोड़पति है, शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कुल संपत्ति 45.91 करोड़ रुपए घोषित की। इसमें 2 आवासीय प्लॉट, 2 लैंड क्रूजर, उनकी कीमती घड़ियां, बाकी तमाम चीजें शामिल थी। इस दौरान उन्होंने ये भी घोषित किया कि वित्तीय वर्ष 2015 से 2016 तक में उनकी वार्षिक आय 9.66 करोड़ रुपए थी। यानी शान शौकत और पैसे दौलत में नवजोत सिंह सिद्धू किसी से कम नहीं है, लेकिन आज की तारीख में काफी ज्यादा परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। यहाँ पर दौलत शोहरत होने के बावजूद भी सिद्धू के पास चैन और सुकून नहीं है। अब देखना होगा चैन और सुकून की तलाश सिद्धू से कितनी मशक्कत कराती है।